हे दोस्तों, हम सबके घर में सब्जी बनती है और हम सब अपने अपने स्वाद के अनुसार उसमें मसाला यानी स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस एक बीज, फल, जड़, छाल या उसका चूर्ण होता है जो अलग अलग स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं तो कुछ लोग बहुत फीका खाते हैं और कुछ मीडियम टेस्ट का खाना पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत से मसाले होते हैं जिनका यूज़ करने से खाने में अलग अलग स्वाद आता है, लेकिन हम सभी मसालों के नाम नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी स्पाइसेस यानी मसालों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे, और वो भी उनके पिक्चर्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो स्पाइस है वो है ये। इसे हिंदी में काली मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में लाल मिर्च का चूर्ण कहते हैं और इंग्लिश में रेड चिली पाउडर कहते हैं। इसे हिंदी में सफेद मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में वाइट पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में लौंग या लवंग कहते हैं और इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। इसे हिंदी में हरी या छोटी इलायची कहते हैं और इंग्लिश में ग्रीन कार्डमम कहते हैं। इसे हिंदी में बड़ी इलायची कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक कार्डमम कहते हैं। इसे हिंदी में जायफल कहते हैं और इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। इसे हिंदी में जावित्री कहते हैं और इंग्लिश में मेस कहते हैं। इसे हिंदी में तेजपत्ता कहते हैं और इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं। इसे हिंदी में जीरा कहते हैं और इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में अजवायन कहते हैं और इंग्लिश में कैरोमिन सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में चक्रफूल कहते हैं और इंग्लिश में स्टार एनिस कहते हैं। इसे हिंदी में सरसों कहते हैं और इंग्लिश में मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में खसखस कहते हैं और इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में केसर कहते हैं और इंग्लिश में सैफ्रन कहते हैं। इसे हिंदी में शाही जीरा कहते हैं और इंग्लिश में कैरावे सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में सौंफ कहते हैं और इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में हरा धनिया कहते हैं और इंग्लिश में कोरिएंडर लीव्स कहते हैं। इसे हिंदी में धनिया कहते हैं और इंग्लिश में कोरिएंडर सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में धनिया पाउडर कहते हैं और इंग्लिश में कोरिएंडर पाउडर कहते हैं। इसे हिंदी में तिल कहते हैं और इंग्लिश में सीसम सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में मेथी कहते हैं और इंग्लिश में फेनुग्रिक सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में कलौंजी कहते हैं और इंग्लिश में निजेला सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में हल्दी कहते हैं और इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। इसे हिंदी में दालचीनी कहते हैं और इंग्लिश में सिनामोन स्टिक्स कहते हैं। इसे हिंदी में सौंठ कहते हैं और इंग्लिश में ड्राई जिंजर कहते हैं। इसे हिंदी में हींग कहते हैं और इंग्लिश में एसाफटिडा कहते हैं। इसे हिंदी में लहसुन कहते हैं और इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। इसे हिंदी में तुलसी बीज कहते हैं और इंग्लिश में बेसिल सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में अजवायन पत्ता कहते हैं और इंग्लिश में ओरिगैनो कहते हैं। इसे हिंदी में अजवायन का फूल कहते हैं और इंग्लिश में थाइम कहते हैं। इसे हिंदी में कड़ी पत्ते कहते हैं और इंग्लिश में करी लीव्स कहते हैं। करी पत्ते के बेनिफिट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगला स्पाइस जो है वो है ये। इसे हिंदी में कसूरी मेथी कहते हैं और इंग्लिश में ड्राई फेनुग्रिक कहते हैं। इसे हिंदी में नमक कहते हैं और इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में काला नमक कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं और इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में अदरक कहते हैं और इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। इसे हिंदी में लाल मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में पापड़ी का पेपर कहते हैं।
इसे हिंदी में लाल मिर्च पपड़ी कहते हैं और इंग्लिश में रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं। इसे हिंदी में कबाब चीनी कहते हैं और इंग्लिश में कबाब पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में सोया बीज कहते हैं और इंग्लिश में दिल सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में इमली कहते हैं और इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। इसे हिंदी में पत्थर के फूल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक स्टोन फ्लावर कहते हैं। ये ब्लैक स्टोन फ्लावर नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो फ्लावर है, लेकिन नहीं, ये एक प्रकार का मसाला है। इसे हिंदी में अजिनोमोटो कहते हैं और इंग्लिश में भी अजिनोमोटो ही कहते हैं। इसे हिंदी में गुल मेहंदी कहते हैं और इंग्लिश में रोजमेरी कहते हैं। इसे हिंदी में आमचूर कहते हैं और इंग्लिश में ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं। इसे हिंदी में अलसी का बीज कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में सूखा आंवला कहते हैं और इंग्लिश में ड्राई गूजबेरी कहते हैं। इसे हिंदी में पिपली कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में सुगंधित काली मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में फ्रेग्रेंट पेपर कहते हैं। इसे हिंदी में करेर कहते हैं और इंग्लिश में कैपर्स कहते हैं। इसे हिंदी में मुलेठी कहते हैं और इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं। इसे हिंदी में मजूफल कहते हैं और इंग्लिश में गॉलनट्स कहते हैं। इसे हिंदी में नागदौना कहते हैं और इंग्लिश में टैरागोन कहते हैं। इसे हिंदी में फिटकिरी कहते हैं और इंग्लिश में एलम कहते हैं। इसे हिंदी में मजीत कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन मैडर कहते हैं। इसे हिंदी में हरड़ कहते हैं और इंग्लिश में ड्राई माइरोबलन कहते हैं। इसे हिंदी में अमजोद का नमक कहते हैं और इंग्लिश में सेलरी सॉल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में प्याज पाउडर कहते हैं और इंग्लिश में ऑनियन पाउडर कहते हैं। इसे हिंदी में लहसुन पाउडर कहते हैं और इंग्लिश में गार्लिक पाउडर कहते हैं। इसे हिंदी में कोकम कहते हैं और इंग्लिश में गार्सिनिया इंडिका कहते हैं। इसे हिंदी में नींबू घास कहते हैं और इंग्लिश में लेमन ग्रास कहते हैं। इसे हिंदी में पुदीना कहते हैं और इंग्लिश में पेपरमिंट कहते हैं। इसे हिंदी में खमीर कहते हैं और इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में कत्था कहते हैं और इंग्लिश में एकेशिया या कटेचू कहते हैं। इसे हिंदी में जखिया कहते हैं और इंग्लिश में क्लियोम विस्कोसा सीड्स कहते हैं। इसे हिंदी में रतनजोत कहते हैं और इंग्लिश में अल्कानेट रूट्स कहते हैं। इसे हिंदी में सुपारी कहते हैं और इंग्लिश में अरेका नट या बीटल नट कहते हैं। इसे हिंदी में चिया का बीज कहते हैं और इंग्लिश में चिया सीड्स कहते हैं। और जो आखिरी स्पाइस है वो है ये, इसे बहुत से स्पाइसेस को मिक्स करके बनाया जाता है और इसे हिंदी में गरम मसाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे हॉट स्पाइस मिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 70 मसाले यानी 70 स्पाइसेस के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दें। चैनल